हेलो चिल्ड्रन, अब मैं आपको चैप्टर सेकंड पढ़ाने जा रही हूँ जो कि लेट्स लर्न प्राणायाम है। इसमें हम योगा कैसे किए जाते हैं उसके बारे में सीखेंगे। लेट्स लर्न अबाउट प्राणायाम एंड इट्स बेनिफिट। अब हम प्राणायाम जो योगा जो होते हैं उनको करने का तरीका और उनका जो फ़ायदा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट ऑफ क्लास फाइव। शिवम और नितिन जो है वो क्लास फाइव के स्टूडेंट हैं। वन डे दे गॉट अप अर्ली। एक दिन वे जल्दी उठते हैं। इट वॉज ए प्लीजेंट मॉर्निंग। और बहुत ही सुहावनी सुबह होती है। दे वेंट टू ए पार्क फॉर ए मॉर्निंग वॉक। और वो मॉर्निंग वॉक के लिए एक पार्क में चले जाते हैं। दो दे शा मैनी पीपल इन द पार्क। वो देखते हैं कि पार्क में बहुत सारे लोग थे। सम ऑफ देम वर रनिंग ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क। जो पार्क के चारों ओर तरफ ट्रैक बना हुआ था कुछ लोग उस पर दौड़ रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे थे। इन द मिडिल ऑफ द पार्क सम पीपल वर सिटिंग एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेस। शिवम वंडर्ड दैट दे वर डूइंग व्हाट दे वर डूइंग। और पार्क के एकदम बीचों बीच कुछ लोग बैठे हुए थे जो अलग अलग मुद्राओं में बैठे हुए थे। शिवम उनको देख के आश्चर्यचकित हो गया कि वो लोग क्या कर रहे हैं। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बोथ द फ्रेंड्स वेंट नियर देम। और अपने उत्सुकता को दूर करने के लिए वो दोनों फ्रेंड्स उनके पास चले जाते हैं। देयर वॉज ए योगा टीचर हु वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शन। वहाँ पर एक योगा टीचर था जो कि उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। ही सेड माई डियर फ्रेंड्स लेट्स लर्न प्राणायाम इन टू डेज योगा क्लास। उसने कहा कि मेरे प्रिय मित्रों आज हम प्राणायाम की क्लास में योगा सीखेंगे। वॉट इज प्राणायाम somebody asked। कुछ लोगों ने पूछा ये प्राणायाम क्या होता है। प्राणायाम इज ए कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। प्राणायाम एक सांस श्वसन के ऊपर अपना नियंत्रण और उसको बढ़ाने का एक तरीका है। By practicing it, we can reduce and breathing rate। अगर हम इसकी निरंतर अभ्यास करते हैं तो अपनी सांस की जो दर है उसको कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। Reduced breathing rate has a lot of benefits। हमें सांस की दर को घटाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। It slow down heart rate, reduce blood pressure and relaxes body and mind। ये हमारी हार्ट रेट को कम करती है, हमारे ब्लड प्रेशर को कम करती है और हमारी बॉडी और हमारे दिमाग को एकदम आराम महसूस करवाती है। प्राणायाम इंक्रीज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और प्राणायाम हमारी जीवन की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ा देती है। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक प्रिफरेबली इन द मॉर्निंग। प्राणायाम हमेशा हमें खाली पेट करना चाहिए और सुबह के टाइम में करना चाहिए। यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग बट देयर शुड बी ए गैप ऑफ 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील। आप इसको शाम को भी कर सकते हो लेकिन आपका जो पिछला भोजन है उसके और प्राणायाम के बीच में 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड एंड जॉइंड द ग्रुप आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर। शिवम और नितिन को उसमें बहुत ही रुचि हो रही थी इसलिए उन्होंने योगा टीचर से परमिशन लेकर उनको ज्वाइन कर लिया। द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। टीचर ने प्राणायाम करने की लिस्ट उनको बतानी शुरू की। स्टेप 1 सिट कामली ऑन ए मैट एंड क्लोज योर आइज। उन्होंने कहा कि एक मैट के ऊपर एकदम शांतिपूर्वक बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। स्टेप 2 पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई। अब अपना लेफ्ट एंकल उठाओ, अपना टखना उठाओ और अपनी राइट थाई के ऊपर रख लो। स्टेप 3 नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई। दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन। फिर उसने बताया कि अपना राइट एंकल उठाओ और लेफ्ट थाई पे रख लो और इस प्रक्रिया को हम पद्मासन कहते हैं। इन द बिगिनिंग यू मे फाइंड इट्स लाइकली डिफिकल्ट टू सिट इन दिस पोज। शुरुआत में तुम्हें इस आसन में बैठने में थोड़ी कठिनाई होगी। डोंट वरी विद अ लिटिल प्रैक्टिस यू विल लर्न इट। लेकिन चिंतित मत हो, थोड़ी सी अभ्यास से तुम लोग इसको करना सीख लोगे। स्टेप 4 प्रेस योर राइट नोस्ट्रिल विद योर राइट हैंड थंब एंड ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल। अब तुम लोग अपनी राइट नाक के राइट साइड को दबाओ और अपने थंब से अंगूठे से दबाओ और धीरे धीरे लेफ्ट वाली साइड से सांस लो। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल। और ये तब तक करो जब तक तुम्हारे लंग्स फुल नहीं हो जाते। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज कॉल्ड
पूरक, और ये जो प्रक्रिया है ये पूरक कहलाती है। स्टेप 5, होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 to 10 सेकेंड्स और एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन। उसके बाद तुम अपने सांस को 5 से 10 सेकेंड रोको और ये इसको एकदम आराम वाले तरीके से करो। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ इज कॉल्ड कुंभक, और अपनी सांस को रोकने की जो प्रक्रिया है वो कुंभक कहलाती है। स्टेप 6, नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल विथ योर रिंग फिंगर। अब तुम अपना थंब वहाँ से हटा दो और अपनी जो रिंग फिंगर है उसको अपनी नोज के पास ले जाओ। देन ब्रीथ आउट स्लोली थ्रू द राइट नोस्ट्रिल, और अब धीरे धीरे सांस को अपने राइट नोस्ट्रिल से छोड़ो। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड रेचक, और जो सांस छोड़ने की प्रक्रिया है वो रेचक कहलाती है। स्टेप 7, नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल, अब तुम राइट नोस्ट्रिल से सांस लो। स्टेप 8, होल्ड योर ब्रीथ अगेन, अब दोबारा से अपनी सांस रोको। स्टेप 9, नाउ प्रेस द राइट नोस्ट्रिल विथ थंब एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल, अब तुम्हारी राइट अपने थंब से राइट नोस्ट्रिल को दबाओ और अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लो, बाहर निकालो। स्टेप 10, यू मे स्टार्ट विथ 5 राउंड्स एंड इंक्रीज इट अप टू 15 to 20 राउंड्स, अब तुम इसको स्टार्टिंग में 5 राउंड कर सकते हो और फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसको 15 से 20 राउंड में करो। शिवम एंड नितिन वॉज हैप्पी टू हैव लर्न प्राणायाम, शिवम और नितिन जो थे वो प्राणायाम सीख के बहुत खुश थे। दे थैंक द योगा टीचर एंड डिसाइडेड टू कम टू द पार्क एंड अटेंड द योगा क्लास डेली, उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो उन्होंने योगा टीचर को धन्यवाद कहा और उन्होंने निश्चय किया कि वो हमेशा प्रतिदिन योगा क्लास अटेंड करेंगे। थैंक यू।